अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में थैलेसीमिया जन जागरूकता पखवाड़ा 6 नवंबर से 20 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। सोसाइटी के महामंत्री ईश्वर पारवानी ने बताया कि इसी कड़ी में 6 नवंबर रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक पड़ाव स्थित संत कंवरराम धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में दिल्ली के लाल पैथलैब के डॉक्टर अशोक तलरेजा और डॉक्टर मनीष शारदा के सहयोग से समस्त जाँचें की गई। शिविर के दौरान लगभग 135 थैलेसीमिक बच्चों की जाँच की गई, जिसमें 105 बच्चे थैलेसीमिया मेजर और 30 बच्चे थैलेसीमिया माइनर शामिल थे। ईश्वर पारवानी ने बताया कि पखवाड़े के तहत 13 नवंबर रविवार के दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक संत कंवरराम धर्मशाला में थैलेसीमिक बच्चों की ड्राइंग पेंटिंग प्रतियोगिता होगी। दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक डांस प्रतियोगिता होगी। तत्पश्चात पुरस्कार वितरण होगा। 20 नवंबर को थैलेसीमिया पखवाड़े का समापन होगा। इस अवसर पर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया जाएगा। हमारे सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड 181 बच्चे, इन बच्चों की विभिन्न प्रकार की जांचें की जाए, रक्त जांचें, जिसके सीरम फेरेटिन, सीरम क्रिएटिनिन, एसजीपीटी, एसजीओटी, इको क्वालिटेटिव टेस्ट, एचएससी, आरएनए, विभिन्न प्रकार की जांचें की जा रही है, ताकि इन जांचों के द्वारा ये पता पड़ सके कि बच्चों का स्वास्थ्य कैसा है, उनका लीवर कितना भरा हुआ है, उनका आयरन कितना डिपॉजिट है हार्ट के अंतर्गत, किस प्रकार से उनको दवाई दी जाए, इसकी एडवाइस लेने के लिए जो दिल्ली से डॉक्टर आएंगे 20 तारीख को, इन जांचों के आधार पे समस्त बच्चों के निःशुल्क चिकित्सा शिविर 20 तारीख को लगाया जाएगा, 20 नवम्बर को। साथ ही साथ जो ये बच्चे आए हैं, इन बच्चों के जो है जांचें करने के उपरांत 13 तारीख को इन बच्चों को हेपेटाइटिस बी का टीका भी लगाया जाएगा संत कंवरराम धर्मशाला में। वर्ल्ड डायबिटीज दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 13 नवंबर रविवार को विश्व डायबिटीज दिवस पर प्रदर्शनी और निशुल्क डायबिटीज जांच शिविर लगाया जाएगा। अजमेर डायबिटीज सोसाइटी और भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वावधान में जन जागरण मेले और निशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत 13 नवंबर को केयर देन क्योर की तर्ज पर डायबिटीज जन जागरण मेला और निशुल्क जांच शिविर हरिभा उपाध्याय स्थित कृष्णा हॉस्पिटल पर किया जाएगा। इससे पहले रविवार को निशुल्क डायबिटीज स्क्रीनिंग मोबाइल कैंप द्वारा शहर के मुख्य स्थानों पर ब्लड शुगर की निशुल्क जांच की गई। भारत विकास परिषद के सीपी कटारिया ने बताया कि डायबिटीज रोगियों की पहचान के लिए रविवार को रामनगर में सोहन चिकित्सालय, शिव मंदिर रेम्बल रोड, पुलिस लाइन चौराहा, सामुदायिक भवन, अजय नगर, राधिका विला भजनगंज, अपना घर, मुख बधिर विद्यालय कोटड़ा आदि स्थानों पर निःशुल्क ब्लड शुगर की जाँच की गयी। विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों, पार्षदों व सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी कैंप में सहभागिता रही। जो डायबिटीज के रोगी है उनकी पहचान की जाएगी, जो जिनको डायबिटीज है उनको 13 तारीख को कैंप के अंदर बुलाया गया है, जिसके अंदर उनकी विभिन्न प्रकार की निःशुल्क जांच की जाएगी और निःशुल्क चिकित्सा परामर्श दिया जाएगा। ये कार्यक्रम विश्व डायबिटीज दिवस 14 नवंबर के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है।